अफगानिस्तान में फंसे 135 भारतीय स्वदेश आए। 135 भारतीय दोहा से दिल्ली पहुंचे। आज होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। शामिल होंगे बीजेपी के कई दिग्गज नेता। पूर्वी यूपी में दो दिन तक बारिश के आसार। कई स्थानों पर आज बारिश की संभावना। लखनऊ में फिर हुआ थप्पड़ कांड। महिला ने ऑटो चालक को मारे थप्पड़। पंजशीर के लड़ाकों ने निकाला तालिबानियों का दम। दावा हमले में मारे गए 300 तालिबानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर जिले के नरौरा राजघाट पर होगा। उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कल्याण सिंह के बेटे और भारतीय जनता पार्टी से सांसद राजवीर सिंह ने ये जानकारी दी। कल्याण सिंह की शव यात्रा उनके पैतृक गाँव अतरौली होते हुए बुलंदशहर नरौरा के घाट तक 3 बजे तक पहुंचेगी। वहीं राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह साल 2004 में बुलंदशहर सीट से सांसद रहे थे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। बाबू जी के नारे से अलियाबाई होलकर स्टेडियम गूंज उठा। वहीं इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त रही। अलियाबाई होलकर स्टेडियम में शव यात्रा पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नरौरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री की शव यात्रा में परिवार के लोग सहित योगी आदित्यनाथ शव यात्रा के साथ मौजूद रहे। हर राम भक्त आज एक प्रखर राष्ट्रभक्त और राम भक्त के भौतिक रूप से अवसान पर शोकाकुल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं है। आज उनका पार्थिव शरीर उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि जनपद अलीगढ़ में आई है और यहाँ पर उनके समर्थकों और अनुयायियों का अपने दिवंगत नेता के प्रति 6 दशकों से जो लगाव है उस कथन यहाँ पर हम सबको देखने को मिला। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान से 104 लोगों को लाया गया। सुबह 5:10 पर विमान 104 लोगों को लेकर दिल्ली में उतरा। इससे पहले देर रात भी दोहा के रास्ते 31 लोग दिल्ली पहुंचे। कतर एयरवेज के जरिए रात करीब 2:30 लोग पहुंचे। एयर इंडिया के विमान से भी एक नागरिक के सुबह 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की खबर है। इस तरह दोहा के रास्ते अब तक की जानकारी के मुताबिक 135 लोग आ चुके हैं। भारत ने अमेरिका, कतर, कजाकिस्तान और कई अन्य मित्र देशों के साथ समन्वय स्थापित करके अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का अभियान चला रहा है। कतर में भारतीय मिशन ने रविवार रात लगभग 8 बजे ट्वीट किया, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। अफगानिस्तान से दोहा लाए गए 146 भारतीय नागरिकों का दूसरा समूह भारत वापस लाया जा रहा है।
भारत में कोविड-19 का विकराल रूप एक बार फिर देखने को मिल रहा है। नीति आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। आयोग ने आशंका जताई कि सितंबर में 4 से 5 लाख कोरोना केस रोजाना आ सकते हैं। हर 100 कोरोना मामलों में से 30 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ऐसे में पहले से ही 2 लाख ICU बेड्स तैयार रखने की जरूरत है। आयोग का कहना है कि खराब हालत से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। सितंबर तक 2 लाख ICU बेड तैयार किए जाए। इसके अलावा 1.2 लाख वेंटिलेटर वाले ICU बेड, 7 लाख ऑक्सीजन वाले बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने चाहिए। नीति आयोग ने इससे पहले सितंबर 2020 में कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान लगाया था। तब नीति आयोग ने 100 संक्रमितों में से गंभीर कोविड लक्षणों वाले 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आशंका और आवश्यकता बताई थी, लेकिन इस बार अनुमान पहली बार से अधिक है। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। अफगानिस्तान सेना ने जरूर कई इलाकों में बिना लड़े सरेंडर किया, लेकिन पंजशीर में तालिबानी के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। अब पंजशीर के लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने हमले में 300 तालिबानी मार गिराए। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने इस तालिबानी का आत्मघाती कदम बताया। सालेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले सलांग हाईवे को बंद कर दिया गया है। पंजशीर के रास्ते में अंद्राब घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का दावा है। ये घात लगा तालिबान पर हमला किया गया था। इससे पहले बागलान के जबल ए सिराज में भी 300 से ज्यादा तालिबानियों को मारने का दावा किया जा रहा है। आज से दिल्ली के सभी बाजार गुलजार होंगे। मॉल में भी रात तक रौनक देखने और दिल्ली वाले खरीदारी कर सकेंगे। दरअसल सोमवार से दिल्ली सरकार ने सभी बाजार को देर रात तक खोलने का आदेश दे दिया है। कोविड की वजह से रात 8 बजे तक खोलने वाले बाजार अब पुराने समय के अनुसार खुल सकेंगे। त्योहारों के मौसम में खरीदारी करने में दिल्ली वालों को अब आसानी होगी। गर्मी की उमस में अब उन्हें रात 8 बजे की जगह रात 10 बजे तक शॉपिंग करने की आजादी होगी। हालांकि सरकार ने यह भी हिदायत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद दिल्ली के व्यापारियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। करोल बाग मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरली मली ने बताया कि देर रात तक बाजार खुलने से व्यापार में रौनक लौटेगी। दिल्ली की कामकाजी जनता रात के वक्त ज्यादा खरीदारी करने निकलती है। सरकार के इस फैसले से बाजार की रौनक बढ़ेगी। राजधानी लखनऊ में एक थप्पड़ कांड हो गया। रक्षाबंधन के दिन महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर टेम्पो चालक के बीच चौराहे पर चप्पलों से पिटाई कर दी। इस थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार हुए थप्पड़ कांड का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो राजधानी लखनऊ के तिगड़ी पुलिया मेन चौराहे का है। वीडियो देखने के बाद ये बात लगती है कि ऑटो में बैठे लोगों से जब ड्राइवर ने किराए की मांग की तो उसके साथ शुरू में तो दो युवकों ने पहले तो गाली गलौज की और फिर मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि टेम्पो चालक अपना किराया मांग रहा था पर टेम्पो में बैठे लोगों ने किराया कम दिया। जब इसकी शिकायत करते हुए उसने और किराया मांगा तो उसके साथ युवकों ने गाली गलौज की और फिर मारपीट करने लगे। वाराणसी में गंगा में जलस्तर घटने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ से राहत तो मिल गई है, लेकिन बाढ़ में बहकर आई सिल्ट और गाद से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। उधर नगर निगम ने पंप लगाकर सिल्ट हटाने का काम शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारियों की सफाई भी बढ़ाई गई है। अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा ने बताया कि घाटों और मोहल्लों की सफाई कराई जा रही है। दवाओं का भी छिड़काव कराया जा रहा है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन और कूड़ा उठान पर फोकस किया जा रहा है। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है लोग घरों की सफाई करने में जुट गए हैं। तो बाढ़ में लेकर सब लोगों की परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। बाढ़ के चलते लोगों के घर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते बाढ़ की व्यवस्था को देखते हुए एक बार फिर से जनजीवन सामान्य करने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना भले ही कागज पर पूरी हो लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला सोनभद्र जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नगवा के ग्राम सभा माची का है जहां पर शौचालय और आवास अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान की सेक्रेटरी द्वारा आधा अधूरा शौचालय का निर्माण कराया गया और आवास के लिए आए धन को भी हड़प लिया जिससे लाभार्थियों के शौचालय और आवास अधूरे पड़े हुए हैं। तो विकास कार्यों में अब तब लाभार्थियों को उनका राशि नहीं मिल पाई है। विकास कार्य अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। बता दें कागजों में बेशक ये काम पूरे हो गए हों लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा आधा अधूरा शौचालय का निर्माण कराया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। इस आवास के लिए आए धन को भी हड़प लिया गया जिससे लाभार्थियों को शौचालय और आवास अधूरे पड़े हुए ही छोड़ने को मजबूर है। ये सब अधूरा हो गया रह गया है बनकर। नदी नाले सब बालू से बना है सर जी और बरसात की वजह से सब प्लास्टर व्लास्टर धोवा गया। इसी साथ गड्ढा भी नहीं बना है सर जी। हम लोग यूज कहाँ से करें। जाते हैं सब खाली जगह मैदान जैसे पहाड़ी वहाड़ी है उस पर जाते हैं। तो कोई विरोध नहीं करता है सर जी? वहीं सब सिटी वाले रहते हैं वो सब विरोध करते हैं। कहाँ जाते हो खाली जगह लैट्रिन होने। आवास कंप्लीट है आपका? आवास नहीं कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ सर जी? सारा पैसा पर। देश भर के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार की तलहटी, उप हिमाचली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की के मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून ने पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी हिस्सों के अनेक इलाकों को भिगोया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगर 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में अनेक इलाकों में और पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। बारिश का ये सिलसिला 25 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो पूर्वी यूपी के कई इलाके में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है जिसको लेकर अलर्ट भी रहने को कहा गया है क्योंकि कई ऐसे स्थान है जहां पर भारी बारिश हो सकती है और 25 अगस्त तक मॉनसून सक्रिय रहने का अंदेशा जताया गया है। तो कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है जिसको लेकर अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। 25 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है।